गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? अजीत कुमार नमस्ते, सौरभ मिश्रा गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आएँ, जो बच्चे लाइव नहीं आए तो क्लास स्टार्ट की जाए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रुद्र प्रताप। कैसे हैं आप सब लोग? और तुम लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? फिर गुड आफ्टरनून अर्जुन कुमार। देखिए, तो आज बायोलॉजी की क्लास है और बायोलॉजी की क्लास में आज नया चैप्टर, कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम और आज जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। आज आपके चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैंने क्लासेस चेक की, जो जीएस टू वाले बच्चे हैं, जो जीएस स्पेशल टू के बैच है, उसमें कुछ क्लासेस मिसिंग हैं। मतलब कि जब ऐप अपडेट हुआ तो कुछ क्लास उसमें कंटिन्यू, मतलब वो कुछ क्लास थी तो वो उस पर कॉपी नहीं की गई जब ऐप अपडेट हुआ। तो आज मैंने बोल दिया टेक्निकल टीम को, तो एक दो चैप्टर की वीडियोज आपकी गायब हो रखी हैं तो वो आपको मिल जाएंगी वीडियोज, ठीक है, डोंट वरी, तो वो मिल जाएंगी। तभी आप लोग कल बोल रहे थे कि मैम आपने सीरीज से नहीं पढ़ाया, जबकि आपकी बायो में केमिस्ट्री की क्लास लगी हुई थी, वो मैंने आज देखा। वो एक्चुअली ऐप अपडेट हुई ना तो उसमें क्लासेस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो अभी मैंने बोला है टेक्निकल टीम को, वो सही कर देंगे और जो वीडियोज नहीं है वो भी डल जाएंगी, ठीक है। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र, जिसको हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र। कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हमने मेनली किसके बारे में पढ़ा था मैम? हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था, और लंग्स में क्या प्रोसेस होता है? तो मैम आपने बताया था लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है? इन होता है, और CO2 क्या होता है? आउट होता है। तो कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, आज हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, सिस्टम का मतलब क्या होता है मैम? आपने बहुत बार बताया है सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो उसी सिस्टम को हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम जो क्या करवाता हो, जो डाइजेशन करवाता हो, जो पाचन करवाता हो। तो हमें बेसिकली, जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें श्वसन कैसे, सांस का लाने का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन आता है, कैसे CO2 बाहर जाता है, ये पढ़ा था, राइट। और आज हमें पढ़ना है कि कैसे हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो सारे के सारे वो ऑर्गन्स जो डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उन सारे के सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर डाइजेस्टिव ऑर्गन और उस सिस्टम को कहा जाता है डाइजेस्ट सिस्टम। अब बात ये आती है कि मैम डाइजेशन क्या होता है, ये तो हमें समझ में आ गया कि वो ऑर्गन्स जो डाइजेशन करवाते हैं उनको हम सिस्टम का नाम देते हैं। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। बट डाइजेशन क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। तो कहने का मतलब है हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है मैम? हमारा सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम सेल बोलते हैं, उससे मिलकर बना हुआ है। अब हमारा जो सेल है वो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, और टिश्यू से क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन्स, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हों चाहे वो आउटर ऑर्गन्स हों। जैसा हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इतने सारे ऑर्गन्स हैं मैम, और वो ऑर्गन्स काम करते हैं। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी या ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैम हमारे जो ऑर्गन्स काम करते हैं या उन ऑर्गन्स की जब सेल्स काम करती हैं तो उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? तो एनर्जी आती है मैम हम जो खाना खाते हैं उससे, है ना। हम खाना क्यों खाते हैं मैम? हम खाना एनर्जी बनाने के लिए खाते हैं या ऊर्जा बनाने के लिए। जिस मतलब एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी से हमारे सिस्टम या हमारी सेल्स क्या करेंगी? काम करेंगी। अब बात आती है कि खाने में हम क्या खाते हैं? तो देखिए, हम खाने में तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स खाते हैं। नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट,
और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, बेसिकली जो शुगर होती हैं, शुगर का मतलब क्या होता है, जो मीठी चीज़ होती हैं, जो शर्करा होती है उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे आपने राइस खाया, आपने चपाती खाया, आपने मिठाई खाया, आपने फ्रूट खाया, इन सबसे हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। और नंबर टू पे हम लेते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या होते हैं मैम, जैसे हमने सोयाबीन खाया, हमने नॉनवेज खाया, हमने मछली खाया, हमने दाल खाई, इन सबसे हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। और नंबर थ्री पे हम क्या खाते हैं, नंबर थ्री पे हम फैट खाते हैं, हम वसा खाते हैं। अब वसा क्या होती है, जो आप ड्रॉप की फॉर्म में खाते हो, जो आप बूंदों की फॉर्म में लेते हो, उसको बोलते हैं फैट। क्लियर है? तो आप चाहे वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, अल्टीमेटली आपके बॉडी में ये तीन पार्टिकल जा रहे हैं। हम चाहे राइस खाएं, चपाती खाएं, फ्रूट्स खाएं, मिठाई खाएं, वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, अल्टीमेटली कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं, तीन पार्टिकल्स जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम मिनरल्स भी तो लेते हैं, हम विटामिन भी तो लेते हैं, और हम दूध भी तो पीते हैं, या हम पानी भी तो पीते हैं, तो बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं से ही मिल जाती हैं हमें। तो अब क्या हुआ, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, तो इनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काम कब करते हैं, जब उनके पास एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। अब हमें एनर्जी किन से मिलेगी, इन तीनों पार्टिकल से मिलेगी। बट ये तीन पार्टिकल्स होते हैं वो तीनों, ये तीनों पार्टिकल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो कि ये बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, ये लार्ज पार्टिकल्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े अणु हैं। लार्ज पार्टिकल्स का मतलब होता है बड़े बड़े अणु, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। तो मैम इतने बड़े पार्टिकल्स को हमारी सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, इतने बड़े पार्टिकल्स को हमारी कोशिकाएं तो इतनी छोटी होती है मैम, जिसको हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो मैम ये इतने बड़े पार्टिकल हैं, ये इतना छोटा है, तो इसको एनर्जी इनसे कैसे मिलेगी। तो देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको हमें इजी फूड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इनको हमें छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और इन लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, या उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम पाचन का नाम देते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब क्या है कि मैम हमने जो खाने में खाए हैं वो हमने बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स खाए हैं, लार्ज पार्टिकल्स खाए हैं, या कॉम्प्लेक्स फूड खाया है हमने, बट हमारे बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती हैं वो होती हैं सेल। और हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल या कोशिका से। और कोशिका तो बहुत छोटी होती है, तो उसे जो एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत छोटे पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में जो बदलने का प्रक्रिया है वही पाचन कहलाता है। अब बड़ों का मतलब क्या है, छोटों का मतलब क्या है, बड़ों का मतलब तो आपको ये पता लग गया, हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, बट ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, बड़ा पार्टिकल है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देन ये किसकी फॉर्म में चला जाएगा, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर रिजर्व हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो देखो, हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, जबकि हमारे बॉडी में एनर्जी किससे मिलेगी, या तो ग्लूकोज से मिलेगी, या किससे मिलेगी, ग्लाइकोजन से मिलेगी, या तो ग्लूकोज से या ग्लाइकोजन से। अब देखो दूसरा, प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स हैं वो पहले कन्वर्ट होते हैं पेप्टाइड्स में, या आप इनको बोल सकते हो पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में, और देन ये जाके कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्ल में। और आपने स्कूल में एक सेंटेंस पढ़ा था कि एमिनो अम्ल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो मैम हमने प्रोटीन खाया, जबकि हमें एनर्जी किससे मिलेगी, या तो पेप्टाइड से या अमीनो एसिड से। नेक्स्ट फैट, फैट जो आपने खाई है वो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स में खाई है, इतनी बड़ी ड्रॉप को हमारी सेल्स इसको कंज्यूम नहीं कर पाती हैं। तो क्या होगा,
ये जो फैट हैं ये पहले कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, और फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इन फैट का छोटा रूप, और हिंदी में इसको कहा जाता है वसीय अम्ल, हिंदी में नाम होता है वसीय अम्ल, और देन ये जाके कन्वर्ट हो जाती हैं ग्लिसरोल में, ग्लिसरोल, ग्लिसरीन नहीं है ये, ग्लिसरोल होता है एकदम बिल्कुल छोटी ड्रॉप, ठीक है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमने ये तीन पार्टिकल खाया, जबकि हमें एनर्जी किन से मिलेगी, या तो इन तीन पार्टिकल से मिलेगी या इन तीन पार्टिकल से मिलेगी, और यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज डाइजेशन। अब आप बता दो कि डाइजेशन क्या होता है, आप क्या बताओगे, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इंटू स्मॉल पार्टिकल्स, या तो इनको लार्ज पार्टिकल्स बोलो या इनको कॉम्प्लेक्स फूड बोलो, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या हो जाएंगे, ये मैम हो गए हमारे इजी फूड, इजी फूड, और या सरल खाना या सरल अणु, अगर वो लार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स। तो आप देखिए डाइजेशन का डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है, डाइजेशन का डेफिनेशन निकल के आ रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको इजी फूड में बदला जाता है, ताकि इस इजी फूड को हमारी सेल्स क्या कर लें, इसको एब्जॉर्ब या इसका अवशोषण कर लें। तो इन कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो करवाते हैं, जो डाइजेशन करवाते हैं, उन सारे के सारे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, सारे ऑर्गन को एक साथ मिलाकर ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो हमें क्या पढ़ना है यहां पर, हमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या इस प्रोसेस को पढ़ना है। अब ये तो बात ये हो गई। अच्छा देखो, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होती हैं, आप बोलोगे या तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है या वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स किसकी फॉर्म में होते हैं, आप बताओगे या तो वो पेप्टाइड्स की फॉर्म में होते हैं या वो एमिनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। आपसे पूछेगा कि फैट, ह्यूमन बॉडी में फैट किसकी फॉर्म में होते हैं, आप बताओगे या तो फैटी एसिड्स या ग्लिसरोल की फॉर्म में होते हैं, राइट। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि डाइजेशन होता क्या है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, यही डाइजेशन होता है। बट मैम ये बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता कौन है, पॉइंट तो ये आता ना, करता कौन है, ये तो सिर्फ प्रोसेस का नाम पता लगा है हमें कि भाई डाइजेशन होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, इन पार्टिकल को इन पार्टिकल में बदला जाता है। जो ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, जबकि जो मिनरल्स हो गए, जो पानी हो गया, ये पहले से ही बहुत क्या होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि हम जो जो आप मिनरल्स लेते हैं, जो दूध लेते हैं या जो पानी लेते हैं, वो पहले से ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दूध का तो फिर भी हमारे बॉडी में इमल्सिफिकेशन हो जाता है, बट पानी वगैरह जो होते हैं वो पहले से ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पानी को, मिनरल्स को, इनको डायरेक्टली हमारा जो सेल्स है वो क्या कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो बात होगी कि डाइजेशन क्या होता है, अब बात आती है कि डाइजेशन करवाता कौन है। तो आपने एक टर्म पढ़ा है एंजाइम, आपने एक टर्म पढ़ा है एंजाइम, आप सबने पढ़ रखा होगा इस शब्द को एंजाइम, हिंदी में भी इसको एंजाइम ही कहा जाता है, एंजाइम ही कहा जाता है। देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी में खाने को, मैम ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है, शिवेंद्र कुमार आपका आंसर है लीवर, वैसे आप आगे पढ़ोगे बट अभी बता देती हूँ मैं कि लीवर, ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर के अंदर, ठीक है बेटा। देखिए एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। कैटलिस्ट आपने स्कूल में पढ़े थे, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसी, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने की रिएक्शन है, इसको फास्ट करने का काम करते हैं। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि डाइजेशन करवाता कौन है, आप बोलोगे एंजाइम करवाते हैं। अब एंजाइम कौन बनाते,
आता है, तो आपने एक टर्म सुना होगा ग्लैंड्स, एक टर्म आपने सबने सुन रखा होगा ग्लैंड्स, या हिंदी में सुन रखा होगा ग्रंथियां। जैसे आप बुक्स में पढ़ते हैं कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अब मैम आप तो, लीवर तो एक ऑर्गन होता है, आप लीवर को ग्लैंड क्यों बोल रही हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ अलग काम करता होगा लीवर। ऐसे तो मैम आपने कान, हाथ, पैर, ये भी ऑर्गन है, इनको आपने ग्लैंड क्यों नहीं बोला? क्योंकि लीवर क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो या तो जूस बनाए, जूस का मतलब होता है रस, या एंजाइम बनाए, या हार्मोन बनाए। ह्यूमन बॉडी में कोई भी एक ऐसा ऑर्गन वो जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाए, उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम ग्लैंड्स या ग्रंथियां नाम देंगे। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्लैंड्स, आप क्या बोलोगे? हाँ आज समझ में आएगा, यस डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, और अग्नाशय के बारे में भी यही पढ़ाएंगे सोनू, डोंट वरी। तो देखिए ग्लैंड्स किसको बोलेंगे, ऐसा ऑर्गन जो या तो जूस बनाए, या एंजाइम बनाए, या हार्मोन बनाए, उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब देखिए जूस और जो एंजाइम बनाती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं बहिश्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्लैंड जो क्या बनाए, जो जूस और एंजाइम बनाए, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, और जो हार्मोन बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो तीनों ही चीज बना दे उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि ऐसा कोई भी ऑर्गन जो जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लैंड कहते हैं या ग्रंथि कहते हैं, और जो जूस एंजाइम बनाएगी उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो हार्मोन बनाएगी उसको एंडोक्राइन, और जो तीनों ही चीज़ बनाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्स्ड ग्लैंड। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि ये बताइए डाइजेशन कौन करवाता है, एंजाइम करवाते हैं, तो हमें यहां पर कौन सी ग्रंथियां पढ़नी है जो एंजाइम बनाए, और एंजाइम बनाए बनाने वाली कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आपको अगर प्योर डेफिनेशन जानना है डाइजेशन का, तो आप क्या बोलोगे, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द हेल्प्स ऑफ एंजाइम्स इज नोन एज डाइजेशन। भोजन के बड़े बड़े अणुओं को भोजन के छोटे छोटे अणुओं में एंजाइम की सहायता से तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है, और वो अंग जो पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो पाचन करवाने वाले अंग और उसे उस पूरे तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। ये आपका डाइजेशन। अब देखो कैसे क्या डाइजेशन होता है, है ना? चलो अब मैं एक चार्ट बनाती हूं, अगर आपको ये चार्ट समझ में आ जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें यहां पढ़ना क्या है, हमें यहां पढ़ना क्या है इस सिस्टम में। देखिए सबसे ऊपर लिखिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम, एक चार्ट बनाना है आपको कि कैसे पढ़ना है हमें ये सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में इसको कहा जाता है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक साइड आप लिखो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, वो सारे ऑर्गन जहाँ पर फूड जाता है, वो सारे ऑर्गन जहाँ पर खाना जाता है। जैसे सबसे पहले आपने खाना कहाँ खाया, माउथ में, उसके बाद कहाँ खाया आपने,
उसके बाद खाना कहाँ गया आपका, फूड पाइप में, देन खाना कहाँ गया आपके स्टमक में, पेट में, देन कहाँ गया छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन कहाँ गया लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। तो इन सारे के सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और हिंदी में इसका नाम होता है आहार नाल। आहार का मतलब होता है खाना, वो सारे ऑर्गन जहाँ पे खाना जाता है उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सबसे पहला आपने खाना कहाँ खाया, मैम हमने माउथ में खाना खाया, माउथ का मतलब होता है मुंह। अब माउथ में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में काम आते हैं, एक तो टीथ, बोले तो दांत हो गए आपके, और दूसरे कौन, टंग, टंग जिसको जीभ या जिह्वा कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी साइड क्या लिखा जाएगा, दूसरी साइड वो सारी की सारी ग्रंथियां जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आती हैं वो लिखी जाएंगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन करवाता कौन है, एंजाइम, और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, एक्सोक्राइन। तो इधर की साइड क्या आ जाएंगी मैम, वो सारी की सारी ग्रंथियां जो एंजाइम या जूस बनाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो या तो इधर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या इनका दूसरा नाम, इनके दो नाम होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या हो जाएगा, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। तो इधर की साइड लिखो पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, ठीक है। चलो अब देखो पहला ऑर्गन क्या लिखा, माउथ। अब माउथ में जो ग्रंथि होगी वो यहाँ इसके सामने आ जाएगी, और माउथ में जो ग्रंथि होती है उसका नाम होता है सेलाइवरी ग्लैंड, सेलाइवरी ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं लारिये ग्रंथि, लारिये ग्रंथि। अब माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है, मैम माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है, फूड पाइप में, और फूड पाइप को बोला जाता है भोजन नलिका, भोजन नलिका। अब फूड पाइप में तो मैम कोई भी ग्लैंड होगी नहीं, ये तो पाइप है, और ये खाना कहाँ ट्रांसफर करती है, हमारे स्टमक में, स्टमक बोले तो हमारा पेट, या स्टमक को हिंदी में अमाशय नाम से जाना जाता है, या स्टमक को हिंदी में उदर नाम से भी लिखा जाता है, उदर, उदर वैसे एक संस्कृत वर्ड होता है। अब स्टमक में जो ग्रंथियां हैं वो इसके सामने लिख दो एरो लगा के, और स्टमक में जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथियां, जठर, क्योंकि स्टमक को ही दूसरा नाम जठर होता है, जठर ग्रंथियां। अब फूड कहाँ जाता है, अब फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, छोटी आंत, और छोटी आंत से दो ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहली लीवर, और उसके बाद दो नंबर पे यहीं पर पैनक्रियास। पैनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय, हिंदी मीडियम वाले बच्चों कंफ्यूज मत होना, स्टमक को अमाशय बोलते हैं और पैनक्रियास को अग्नाशय, और लीवर को कहा जाता है यकृत, यकृत। अब उसके बाद फूड कहाँ जाता है, तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बड़ी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। देन जो आपका वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको आप एनस द्वारा रिमूव कर देंगे, एनस जिसको बोलते हैं गुद्दा, गुद्दा। ये आपका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, जब इतना पढ़ेंगे हम तब जाकर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखो मैंने एलिमेंट्री कैनाल किसको बोला, माउथ से लेकर जो हमारा एनस का पार्ट है इस पूरे के पूरे पाइप को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, आप क्या बताओगे, माउथ। ठीक है, और इस पूरे के पूरे पाइप की, ये पूरा पाइप ही तो हुआ माउथ वाला, फूड पाइप, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत,
इसकी लेंथ कितनी होती है, पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, आप बताओगे 9 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 9 मीटर। और अगर फीट में पूछी जाए तो ये होती है ऑलमोस्ट 33 फीट। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पाचन करवाने वाले या डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्रंथियां काम में आती हैं, आप बताओगे एक सलाइवरी ग्लैंड काम में आता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड काम में आता है, एक लीवर काम आता है, एक पैनक्रियास काम आता है। मेन यही चार आपकी होती हैं। आप इतना सारा पढ़ोगे तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। नीलेश, अभी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। विंदास, मैंने आपका नाम ले लिया है। चलिए अब स्टार्ट करें। सबसे पहला माउथ, एक एक करके सब पढ़ेंगे हम, बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए सबसे पहला ऑर्गन लिखा मैंने माउथ, क्योंकि सबसे पहले हम खाना कहाँ खाते हैं, माउथ में खाते हैं, मुख, या इसको क्या कहते हैं हम, मुंह। एक क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, अब मुझे बताइए सबसे पहले हमने खाना कहाँ खाया, माउथ में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ स्टार्ट होगा, माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने कल बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, मैम हमारी नोज से स्टार्ट होता है, क्योंकि सांस कहाँ से लेते हैं, हम नोज से लेते हैं। ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा आपका कि डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ, डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ। भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह द्वारा होती है, भोजन के पाचन की शुरुआत माउथ या मुंह से होती है। अब माउथ में हमारे दो ऑर्गन होते हैं, माउथ में दो ऑर्गन या दो अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 इज टीथ और नंबर 2 इज टंग। अब हमें ये देखना है कि ये जो दांत और जीभ हैं, ये दांत ये जीभ, ये कैसे हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये कैसे हमारी पाचन की प्रक्रिया में हेल्पफुल होते हैं। तो एक नंबर लगा के लिखना है आपको टीथ, सबसे पहला टीथ जिसको बोलते हैं हम दंत। हम माउथ पढ़ रहे हैं, माउथ में पहला ऑर्गन कौन सा पढ़ रहे हैं, टीथ या दांत पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टीथ की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें दांतों के बारे में पढ़ना होता है उसका नाम क्या होता है, ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडेंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ओडेंटिस्ट होते हैं। वैसे ओ प्रोनाउंस मतलब प्रोनाउंस नहीं किया जाता है ओ को, सिर्फ डेंटिस्ट ही बोला जाता है या डेंटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो दांत होते हैं वो कैसे आते हैं हमें, तो हमें लाइफ में दो बार दांत आते हैं, हमें जीवन में दो बार दांत आते हैं। एक बार आएंगे जिनको बोलेंगे हम दूध के दांत, मिल्क टीथ, या आप इनको बोल सकते हो टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीटी। टेम्परेरी का मतलब क्या है, कुछ दिन के लिए रहेंगे फिर टूट जाएंगे। तो दूध के दांत आपको कुछ दिन के लिए रहे थे और फिर टूट गए थे, तो हिंदी में इनको बोलेंगे अस्थाई दांत, जो स्थाई नहीं है, अस्थाई है मतलब जो टूट जाएंगे। और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब होता है वो दांत जो क्या होते हैं, स्थाई होते हैं। तो कहने का मतलब है हमें जीवन में कितनी बार दांत आते हैं, दो बार।
एक बार दूध के दांत आए, जब हम 8-10 साल तक के बच्चे थे तो हमें दूध के दांत आए और फिर टूट गए, फिर वापस नए आए। अभी जो हमारे माउथ में टीथ हैं वो क्या हैं, परमानेंट या स्थाई। अब क्वेश्चन आता है कि दूध के दांत कितने आए थे आपको, कितने दांत आपके दूध के दांत थे, कहने का मतलब है कितने दांत टेम्परेरी टीथ थे जो कुछ टाइम के लिए आए और टूट गए। तो आप बताओगे हमें 20 दांत दूध के दांत आते हैं, है ना, और 20 और आपके परमानेंट कितने होते हैं, तो आप बताओगे 32 परमानेंट होते हैं। अब देखो आपका यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कितने दांत हमें लाइफ में दो बार आते हैं, एक बार आए फिर टूट गए फिर आए, तो कितने दांत हमें लाइफ में दो बार आते हैं, 20। कितने दांत हमें लाइफ में एक बार आता है, टोटल कितने, 32। दो बार कितने आए, 20। 32 माइनस 20 करा कितना बचा, 12। तो कितने दांत हमें लाइफ में एक बार आते हैं, 12। लिख लेना दो बार कितने दांत आएंगे, तो आप बताओगे 20, और एक बार कितना आएगा, तो आप बताओगे 12। तो टोटल जब परमानेंट बनते हैं तो कितने बन जाते हैं, 32 बन जाते हैं। क्लियर है? तो अब हमें पहले ये देखना है कि परमानेंट टीथ कितने टाइप के होते हैं, परमानेंट टीथ कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितने कितने नंबर होते हैं उनके, और कितने कितने उनके नंबर होते हैं। परमानेंट टीथ कितने हैं, 32। आप देखो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आपको चार टाइप के आते हैं, कौन कौन से, नंबर वन इज इंसीजर, इंसीजर को बोलते हैं हम कृतक। नंबर टू इज कैनाइन, रदनक। नंबर थ्री इज प्रीमोलर, और हिंदी में बोलते हैं इसको अग्रचवर्णक, प्रीमोलर अग्रचवर्णक। और सबसे लास्ट में आते हैं मोलर, जिसको हम चवर्णक नाम से जानते हैं। तो दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझनी है आपको छोटी सी, पहले इसको भूल जाइए, यहाँ आइए। आपने देखा होगा हमारे दांत जो हैं वो ऐसे अंदर की साइड धंसे हुए होते हैं, है ना, ऐसे आपके दांत होते हैं, आपने देखा होगा, एक ये ऊपरी जबड़ा एक ये नीचे वाला जबड़ा, है ना। जो ऊपर वाला जबड़ा है ये वाला, एक ऊपर वाला एक ये नीचे वाला, इस ऊपर वाले जबड़े का नाम होता है मैग्जिलरी जो, इसको बोलते हैं मैग्जिलरी जो। ठीक है, इसको बोला जाता है मैंडिबल जो, मैंडिबल जो, हिंदी में इसका नाम होगा मैंडिबल जबड़ा, और ऊपर वाला है मैग्जिलरी जबड़ा, मैग्जिलरी जबड़ा, इसको नाम देंगे हम अपर जो। ऊपरी जबड़ा ये कौन सा होगा, लोअर जो, ये कौन सा होगा, लोअर जो का मतलब क्या होता है, निचला जबड़ा। पहली बात तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे ऊपरी जबड़े का नाम क्या होता है और लोअर जबड़े का नाम क्या होता है, आप क्या बताएंगे, ऊपर वाला मैग्जिलरी, नीचे वाला आपका मैंडिबल। अब इनके अंदर ऐसे आपके दांत ऐसे धसे हुए होते हैं, आपने देखा होगा ये हमारे दांत, आपको व्हाइट वाला पार्ट दिखता है, अंदर की साइड ऐसे सॉकेट सा बना हुआ होता है, और इस सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, आपके दांत फिट होते हैं, है ना, इस सॉकेट के अंदर ऐसे ऐसा का ऐसे आपके दांत यहाँ होते हैं, ये अभी आपके दांत, और इधर भी एक सॉकेट सा बना हुआ होता है। तो ये जो दांत हमारे सॉकेट के अंदर धसे हुए हैं, तो इस क्वालिटी को नाम दिया जाता है थीकोडोंट, इसको नाम देते हैं थीकोडोंट। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको गृत दंती, गृत दंती। अब थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, थीकोडोंट का मतलब क्या होता है कि
जो वो पार्ट जहाँ पर हमारे दांत क्या हैं, धसे हुए अंदर एम्बेडेड टीथ हैं सॉकेट के अंदर, इस सॉकेट को नाम बोलते हैं हम क्या, थीकोडेंट। एक टर्म तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन के जो टीथ होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है। एक तो आपने बोल दिया थीकोडेंट, और एक होते हैं ह्यूमन के दांत डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, अब मैम डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है, द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब है हमें दो बार दांत आते हैं, बताया तो था अभी मैंने, एक बार दूध के दांत और एक बार कब, परमानेंट। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन के टीथ की क्वालिटी क्या है, मानव के दांतों की क्या विशेषता है, आप बताओगे, एक तो वो डाइफायोडोंट होते हैं और एक वो थीकोडेंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब है सॉकेट के अंदर धसे हुए, है ना, और डाइफायोडोंट का मतलब क्या है, दो बार आते हैं। हो गया, क्लियर है। अब बात आती है इंसीजर कितने होते हैं, तो इंसीजर के आगे लिखाइए 8। अब इंसीजर होते कौन से, कितने होते, 8। अब होते कौन से, जब आप स्माइल करते हो, जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले को जो दांत दिखते हैं उसको हम इंसीजर कहते हैं। देखो कैसे, एक ही ऊपर वाला जबड़ा है, एक ही नीचे वाला जबड़ा, इस ऊपर वाले जबड़े के सामने के चार दांत और नीचे वाले जबड़े के भी सामने के चार दांत, तो उनको क्या बोलेंगे हम, उनको नाम देंगे हम इंसीजर। ये देखो चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये क्या होते हैं, ये इंसीजर होते हैं, आए होते हैं, ठीक है। तो इंसीजर कितने, 8। इनको बोलते हैं हम स्माइली टीथ या स्माइल करने में काम आने वाले। कैनाइन कितने होते हैं, 4। कैनाइन कितने होते हैं, 4। एक क्वेश्चन आता है सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं, सबसे शार्प या नुकीले दांत कौन से होते हैं, आप क्या बताएंगे, कैनाइन। कितने होते हैं, 4। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इंसीजर के बगल में ये जो आपने चार दांत देखे, 1 2 3 4, ये क्या होते हैं, ये हमारे कैनाइन होते हैं, 4। सबसे नुकीले दांत कौन से हो गए, तो आप बताएंगे कैनाइन। अब आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होते हैं, तो प्रीमोलर भी 8 होते हैं, 8 होते हैं। प्रीमोलर कौन से होते हैं, तो मैम ये कैनाइन के बगल में जो दांत निकलते हैं ऐसे, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, ठीक है, 2 2 2 2, कितने हो गए, 8 हो गए। अब आता है मोलर, और मोलर सबसे एंड में जो आते हैं आपको, और कितने आते हैं, 12। जो सेट में आते हैं, है ना, जो सेट में आते हैं, दो दो का सेट बन के आते हैं, सबसे एंड में कौन से आते हैं आपको, मोलर आते हैं। तो कितने टाइप के दांत हो गए मैम, 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर कितने, 8, कैनाइन कितने, 4, प्रीमोलर कितने, 8, मोलर कितने, 12। तो परमानेंट दांत कितने बन गए, 32। तो यही मैंने आपको पढ़ाया था कि परमानेंट दांत कितने होते हैं या स्थायी दांत कितने होते हैं मैम, 32 या 32 दांत होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबड़े कितने, 2। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जबड़ा कौन सा होता है, तो नीचे वाला, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, जो ये हमारा सबसे मजबूत जबड़ा है, कौन सा, मैंडिबल, नीचे वाला। ये तो बात कर दी मैंने परमानेंट दांतों की, अब बात आती है दूध के दांत मैम, जो आपने बताए हैं 20 होते हैं, 20 होते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, 20 में कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है, तो अब लिखिए आप मिल्क टीथ, दूध के दांत कितने होते हैं, 20, ठीक है। अब इन 20 में से कौन से कितने होते हैं, तो इस 20 में से 8 इंसीजर होते हैं, 8 आए, 4 होते हैं कैनाइन, और 0 होता है इसमें प्रीमोलर, और 8 होते हैं मोलर। तो कहने का मतलब है कि मैम 8 इंसीजर आए, 4 कैनाइन आए, 8 मोलर आए, और प्रीमोलर आया ही नहीं। देखो मैंने बताया था प्रीमोलर कौन से होते हैं, ऊपर के 5 दांत छोड़ दो, 5 का मतलब है 4 1 5 1 6, 2 कैनाइन हो गए, ऊपर के 4 क्या हो गए, इंसीजर, नीचे के भी 6 दांत छोड़ दो, अगला जो 2 2 का सेट आता है वो क्या होते हैं, प्रीमोलर, और वो बच्चे में आता ही नहीं है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन गया कि प्रीमोलर इज एब्सेंट इन
चाइल्ड, बच्चे में कौन से प्रकार का दांत नहीं आता है? आप बोलोगे अग्र चवर्णक, जो आगे वाले चबाने वाले होते हैं वो आता ही नहीं है। प्रीमोलर इज एब्सेंट इन मिल्क टीथ या प्रीमोलर इज एब्सेंट इन टेम्परेरी टीथ, जो स्थायी दांत होते हैं उसमें प्रीमोलर होते हैं, ये रहे कितने 8। बट जो अस्थायी दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 32 दांत हैं क्या, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेरे में 28 है, कुछ बोलेंगे 30 हैं, कुछ बोलेंगे 32 कंप्लीट हैं। देखो अभी आप में 32 नहीं होंगे, कुछ कुछ में हो भी सकते हैं। 32 कब होंगे? जब आप में वेस्टिजियल ऑर्गन आएंगे 4, ये वेस्टिजियल टीथ आएगा। अब वेस्टिजियल टीथ कौन सा होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको अवशेषी दांत, अवशेषी दांत। वेस्टिजियल टीथ किसको बोला जाता है? इसका दूसरा नाम होता है विजडम टूथ, विजडम टूथ। अकल की दांत, अकल की दांत, अकल की दांत। देखो अकल की दांत कब आती है मैम? 22 या 24 साल के बाद कभी भी आ सकती है आपको, 22 या 24 साल के बाद आपको कभी भी आ सकती है। कितनी होती हैं अकल की दांत? तो आप बताएंगे अकल की दांत 4 आती हैं, दो सेट में आती हैं, दो दो की। अभी आप में 28 दांत हैं क्योंकि आप में प्रीमोलर 4, जो आपके मोलर हैं उनमें से 4 कम हैं, क्योंकि 4 क्या आते हैं मोलर में? विजडम टूथ आते हैं। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अकल की दांत आती है वो कैसा ऑर्गन है? आप बताओगे वेस्टिजियल। अब वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी में हैं बट वो किसी काम के नहीं हैं, साइंस उनको वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में हैं बट किसी भी काम के नहीं हैं, साइंस उनको वेस्टिजियल ऑर्गन मानती है। साइंस कहती है कि जो ऑर्गन हमारे काम के नहीं हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं, वो धीरे 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 एक जनरेशन ऐसी आएगी जिसमें ये दांत गायब हो जाएंगे और आपको हमेशा के लिए 28 दांत मिलेंगे। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन कोई पूछे कैसे क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में हैं बट यूज में नहीं हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? वेस्टिजियल ऑर्गन। या आप बोल सकते हो जो यूज में ना आ रहे हों, जो उपयोग में ना आ रहे हों। अब आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि ह्यूमन बॉडी में कितने वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। एक तो है ये विजडम टूथ, अकल की जाड़ या अकल का दांत बोला जाता है। इसका अकल से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर किसी में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अकल आ गई, किसी में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अकल नहीं है। बस इसको विजडम टूथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जब आता है उस टाइम पर आप मैच्योर हो चुके होते हो, 20-22 की उम्र के बाद आपका प्यूबर्टी एज ख़त्म हो चुका होता है, किशोरावस्था आपका ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए ये एंड में आते हैं, इस उम्र में आते हैं जिस उम्र में आप मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं हम अकल की दांत या विजडम टूथ। कुछ लोगों में एक आता है, कुछ लोगों में दो आते हैं, कुछ में 4 के 4 आ जाते हैं, कुछ में नहीं भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब याद रखिएगा हमारे बॉडी में टोटल पांच वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। 5 वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में 5 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अवशेषी अंग क्या हो गए? जो काम में नहीं आ रहे बट हमारे शरीर में हैं। और आपने एक वो थ्योरी पढ़ी होगी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, जो जिराफ की गर्दन और लंबी हो गई। तो चार्ल्स डार्विन जी ने क्या कहा था कि वही ऑर्गन अगली जनरेशन में जाएंगे जो ऑर्गन काम में आते हैं, जो ऑर्गन काम में आते हैं। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में हैं और किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो आपने पढ़ लिया कि जो हमारे विजडम टूथ होते हैं वो कोई काम के नहीं है।
दूसरा ऑर्गन क्या होता है, एक होता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपने सुना होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है मैंने, अपेंडिक्स काट के फेंक दिया डॉक्टर ने बाहर। कहाँ होता है अपेंडिक्स, तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। तीसरा, साइंस कहती है हमारे जो बॉडी हेयर्स होते हैं, जो शरीर के बाल होते हैं, वो किसी काम के नहीं है। चौथा, आपके कान की मांसपेशी, ईयर मसल, जिसका नाम होता है पिन्ना। पिन्ना, ये जो आपका बाहरी कान है, ये किसी काम का नहीं है। सोचिए एक जनरेशन ऐसी आएगी, ये कान ही नहीं होगा। आपने देखा होगा पहले के लोगों के बहुत बड़े कान होते थे, फिर और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे, फिर बिल्कुल ही छोटे। ठीक है, चार ये हो गए। पांचवा, विजडम टूथ हो गया, अपेंडिक्स हो गया, बॉडी हेयर्स हो गए, कानों के कान, कान कर्ण मांसपेशी बोलते हैं इसको, या कान की मांसपेशी, कान की मांसपेशी या कान की पेशी। और पांच नंबर पे क्या होता है, पांच नंबर पे जब आप बंदर थे तो आप में पूंछ थी, और पूंछ जिस हड्डी से लगी हुई है वो आज भी है, टेल बोन, टेल बोन, टेल बोन। ठीक है, तो ये पांच ऐसे ऑर्गन हैं जो क्या हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में हैं बट किसी भी काम के नहीं हैं। तो साइंस इनको क्या बोलती है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये आपसे पूछा जा सकता है। अकल की दांत कोई काम के नहीं है, बॉडी हेयर्स हम लोगों के काम के नहीं हैं, ठीक है, कान की मांसपेशी कोई काम की नहीं है। तो एक आपने पढ़ लिया कि जो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन या वेस्टिजियल टीथ होते हैं वो किस में आते हैं, मोलर में आते हैं। अब देखो इन दांतों का काम क्या होता है, इंसीजर का काम होता है फूड की कटिंग करना, फूड को काटना। केनाइन का काम होता है टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब होता है चीर फाड़ करना, क्योंकि ये सबसे नुकीले दांत होते हैं तो ये चीर फाड़ करने में काम आता है। प्री मोलर, इनका काम होता है ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, किसको पीसना, फूड के पार्टिकल्स को। और मोलर का काम होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग करना, और मिक्सिंग किसके साथ, तो आप लिखोगे लार के साथ या सलाइवा के साथ। तो ऐसे हमारे जो दांत हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे काम आते हैं। ठीक है, जो हमने खाना खाया उसकी कटिंग कर दी, उसकी टीयरिंग कर दी, उसकी ग्राइंडिंग कर दी, उसकी मिक्सिंग कर दी। अब देखो आपके कितने सारे क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं। आप कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं कि बच्चे में सबसे पहले आगे वाले दांत आते हैं। देखा होगा ना दो, जिसको खरगोश के दांत बोलते थे हम बचपन में, तो आगे वाले दांत कौन से होते हैं, इंसीजर। तो ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन्स को सबसे पहले जो दांत आता है उसको इंसीजर कहा जाता है। अब पूछे कि सबसे एंड में कौन सा दांत आता है, विजडम टूथ, और किस टाइप का टीथ है, तो आप क्या बोलोगे, ये किस टाइप का है, मोलर। तो सबसे पहले ये और सबसे एंड में ये। अब बोले भोजन को काटने वाले, भोजन को काटने वाले दांत कौन से होते हैं, आप बोलोगे इंसीजर। भोजन की चीरफाड़ करने वाले, टीयरिंग करने वाले कौन से हैं, आप क्या बोलोगे, केनाइन। जो ग्राइंडिंग करते हैं, जो पीसते हैं भोजन को या खाने को, वो कौन से हैं, प्रीमोलर। और जो मिक्सिंग करते हैं सलाइवा के साथ, वो कौन से होते हैं, मोलर। फिर पूछेगा आपसे कि जो आपके सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं, आप क्या बताओगे, केनाइन होते हैं। जो हमारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से दांत का यूज में लेते हैं, तो सबसे नुकीला होगा, वो चीर फाड़ करने में काम आएगा, और नुकीला कौन सा होता है, केनाइन। तो याद रखिएगा, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, वो किस प्रकार के दांतों से चीर फाड़ करते हैं, आप क्या बताओगे, वो आप अपने केनाइन का यूज में लेते हैं। आप खुद इस बात को फील कर सकते हो, आगे के चार दांत छोड़ दो, नीचे के चार दांत छोड़ दो, यहां 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 का टच करके देखो, एकदम बहुत नुकीला दांत दिखेगा आपको, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केनाइन। हमारे तो बहुत कम होते हैं, शेर हो गया या लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, जो कार्निवोरस होते हैं, जो चीर फाड़ करके खा जाते हैं, वो उनके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नुकीले। ठीक है, अब देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन कि दांत की स्टडी को, ओडेंटोलॉजी। दांत कितने मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने बार दांत आते हैं, दो बार, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट।
एक दांत दूध के दांत, कितने आते हैं दूध के दांत 20, और आपसे पूछेगा दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे, दूध के दांत में आपके जो प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो नहीं आते हैं। और परमानेंट कितने होते हैं 32, और वेस्टिजियल टीथ कितने होते हैं 4, और वेस्टिजियल टीथ को हम क्या कहते हैं विजडम टूथ, और वो किस टाइप के टीथ में है मोलर। बच्चे में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं आप बताओगे आगे वाले, आगे वाले कौन से होते हैं इंसीजर, इंसीजर किस काम में आते हैं कटिंग करने में, और कैनाइन किस काम में आते हैं टीयरिंग करने में, और प्री मोलर ग्राइंडिंग, और मोलर मिक्सिंग, किसके साथ मिक्सिंग, हमारे माउथ में क्या होता है सेलाइवा या लार होता है उसके साथ मिक्सिंग, क्लियर। और हमारे दो जबड़े होते हैं जिनके ऊपर दांत लगे होते हैं, ऊपर वाला मैक्सिलरी, नीचे वाला मैंडिबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है मैंडिबल। एक क्वेश्चन और, हाथी के बाहर निकले हुए दांत किस टाइप के दांत होते हैं। आपने कहावत सुना होगा ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और काटने के अलग, मेनली जो काट कर खाते हैं वो कौन से दांतों से कैनाइन, और हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, और इंसीजर कभी भी कटिंग में काम, कटिंग का मतलब समझ लो किसकी कटिंग, जैसे किसी जीव जंतु को खाने की कटिंग, कटिंग छोड़ो टीयरिंग समझ लो आप, टीयरिंग का काम कैनाइन करते हैं, इंसिजर नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो काटने वाले दांत हैं हाथी के वो तो अंदर की साइड है, और जो दिखाने वाले दांत हैं जो काट नहीं सकता है, मतलब जो चीर फाड़ नहीं कर सकता है, वो कौन से हैं, तो वो आपके बाहर वाले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप ये याद रखिएगा कि हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो इंसीजर हैं, और वो किस जबड़े के ऊपर वाले जबड़े के ऐसे दो इंसीजर बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हाथी के बाहर निकले हुए अपर इंसीजर्स होते हैं। अपर इंसीजर का मतलब क्या है, ऊपरी जबड़े के इंसीजर, एक ये एक ये, ठीक है, चलो ये आप याद रखिएगा। अब देखो, जैसे आप मैथ्स में कुछ फॉर्मूले पूछते हो, वैसे फॉर्मूले पढ़ते हो, वैसे ही आपके दांतों के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, डेंटल फॉर्मूला होते हैं। देखो ये डेंटल फॉर्मूला किसी काम के नहीं है आपके, बट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। देखिए डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है, पहले हम देखेंगे कि डेंटल फॉर्मूला किसका, डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब क्या है, जो स्थाई दांत हैं, मतलब अब जो टूटेंगे नहीं, स्थाई दांतों का दंत सूत्र, स्थाई दांतों का दंत सूत्र, परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला। देखिए परमानेंट कितने होते हैं मैम, 32 होते, 32 होते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, आप अपने दोनों जबड़ों में एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे कट लगाओ, कितने जबड़े बन गए 4। देखिए परमानेंट दांतों का डेंटल फॉर्मूला कैसे बनेगा, परमानेंट कितने होते हैं 32। हाँ बिल्कुल बोला आपने, सही बोला, जो रैट होते हैं उनके 16 दांत होते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। अब देखो आपको कैसे डेंटल फॉर्मूला बनाना है, एक बार ऐसे कट लगाओ अपने जबड़े में, एक बार ऐसे लगाओ, कितने चैम्बर बन गए 4, ऐसे आपके 4 चैम्बर बन गए। अब मुझे बताओ इन 32 में मैंने इंसीजर कितने बताए थे 8, कैनाइन कितने बताए थे 4, 8 क्या बताए थे प्रीमोलर, और 12 क्या बताए थे मोलर। अब जब चारों जबड़ों में 8 हैं तो एक जबड़े में कितना हो जाएगा 2, 2, 2, 2, जब चारों जबड़ों में 4 कैनाइन हैं तो 1, 1, 1 हो जाएंगे, जब चारों जबड़ों में 8 प्रीमोलर हैं तो 2, 2, 2 हो जाएंगे, और जब कैनाइन 12 हैं तो 3, 3, 3, 3 हो जाएंगे। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, ये 2 क्या है I, ये क्या है C, ये क्या है P, ये क्या है M। तो जब एक जबड़ा ठीक है, देखिए जब एक जबड़े में
दो इंसीजर हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आप कितने से, फोर से, कितने निकल जाएंगे, आठ, तो इंसीजर कितने, आठ, इसको किससे कर दो, फोर से, तो कितने बन जाएंगे, फोर, इसको भी दो, इसको भी चार से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, आठ, इसको भी करोगे तो कितने आ जाएंगे, ट्वेल्व, जब इनको प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे, थर्टी टू, है ना। तो आपको डेंटल फॉर्मूला अगर पूछे परमानेंट दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बताओगे, 2123, 2123, ICPM, ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर आपने डेंटल फॉर्मूला बनाया था परमानेंट का, अब अगर मैं आपसे बनवाऊँ कि आप क्या मुझे बनाकर दिखा सकते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ, डेंटल फॉर्मूला हो टेम्परेरी टीथ, मतलब किसका, दूध के दांतों का, दूध के दांतों का दंत सूत्र, हिंदी में क्या लिखेंगे, दूध के दांतों का दंत सूत्र। देखिए दूध के दांत ये, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत कितने थे, 20, इस 20 में से इंसीजर कितने थे, 8, चार क्या थे, कैनाइन, और प्रीमोलर तो होते ही नहीं है मैम, और मोलर कितने, 8, तो अब इसको कैसे बनाओगे, ऐसे कट लगाओ, जब चारों में 8 है तो कितने हो जाएंगे, 2, 2, 2, कैनाइन 1, 1, 1, प्रीमोलर है ही नहीं तो आप 0 लगाओ, अगर आप 0 नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, और ये कितने, 2, 2, 2, 2, तो इसको कैसे लिखोगे, 2102, 2102, है ना, और 21, ये 2 क्या है, I, ये क्या है, C, ये क्या है, P, ये क्या है, M, तो बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता। तो परमानेंट टीथ पूछे तो आप बताएंगे, परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला पूछे तो आप बताएंगे 21 23 21 23, और दूध के दांतों का पूछे तो क्या हो जाएगा, 21 02 21 02, और दूध के दांतों में कौन सा नहीं होता, कौन सा नहीं होता, तो आप बताओगे प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता। तो ये आपके कुछ डेंटल फॉर्मूला थे, अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप बस रट्टा लगा लो कि दूध के दांत, दूध के दांतों का अगर डेंटल फॉर्मूला पूछे तो 2102 2102, बट अगर आपसे परमानेंट टीथ के पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, 21 23 21 23, ठीक है। तो इतना आपको डेंटल फॉर्मूला अगर नहीं याद हो रहा है तो याद कर लो, 21 23 21 23 या 21 02 21 02, 0 लगाना है हमेशा आपको। तो ये आपके दांत के कुछ डेंटल फॉर्मूले हो गए। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना, दांत की स्ट्रक्चर कैसे रहती है। देखो दांत की संरचना, देखिए जो दांत का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है डेंटीन पार्ट, इसको कहा जाता है डेंटीन पार्ट, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कहा जाता है डेंटीन पार्ट, इसको दूसरा नाम, डेंटीन का दूसरा नाम होता है क्राउन पार्ट। क्राउन का मतलब है जो बाहर आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग किसका बना हुआ होता है, डेंटीन का बना हुआ होता है। और ये डेंटीन भी दो चीजों का मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे जो दांत होते हैं उसका जो सफेद वाला पार्ट है उसको डेंटीन भाग बोलते हैं, और ये डेंटीन या डेंटाइन कहा जाता है, एक ही बात है। और ये किसका मिलकर बना होता है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट का या ये कैल्शियम फॉस्फेट का, है ना। और प्लस जो आउटर लेयर है दांतों की, जो आउटर लेयर है वो किसकी मिलकर बनी हुई होती है, वो इनामेल की बनी हुई होती है। और ये जो इनामेल होता है ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है,
इनामिल, तो इनामिल में आप एक पॉइंट लिखेंगे, ये क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों होता है हार्डेस्ट पार्ट, मनुष्य का शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो आपको बताना है मनुष्य का शरीर का सबसे कठोर भाग इनामिल होता है। आशीष कुमार, अगर आपको साउंड डबल सुन रही है तो प्लीज़ आप एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लें तो आपको साउंड सही सुनेगी, ठीक है। और ये सबसे कठोर भाग क्यों है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए चाहिए होता है पानी, और इसमें पानी क्या होता है, एब्सेंट होता है, पानी 0% होता है। अब आप कैसे याद करोगे इस बात को, आप याद करोगे कि जो भाग हमें दांत का दिखता है बाहर, जो विजिबल होता है, उसको हम डेंटिन बोलते हैं या उसको क्राउन पार्ट बोलते हैं। और क्राउन पार्ट का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और जो आउटर लेयर होता है तो उसमें उस आउटर लेयर को इनामिल नाम दिया जाता है। और इनामिल जो होता है वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट या सबसे कठोर भाग होता है। क्योंकि कठोर क्यों होता है, क्योंकि मैम किसी भी चीज़ को, अगर आपको किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करना है तो उसके अंदर पानी देना होगा, और इसमें पानी होता ही नहीं, ठीक है। अब देखो, जो नीचे की साइड होता है आपका सॉफ्ट सा पार्ट, वो होते हैं आपके गम्स या मसूड़े, गम्स या मसूड़े। और इन मसूड़ों का एक दूसरा नाम क्या होता है, इनको कहा जाता है रूट पार्ट, जड़ों वाला भाग। और जड़ किसकी, दांत की। अब पूछे कि ये किससे मिलकर बना होता है, ये बोलोगे आप मसल्स या पेशियों से मिलकर बना होता है, पेशियाँ। और इसका काम क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट दांत तक पहुँचाना, ऐसे ऐसे यहाँ से दांत तक सारे भी न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब दांत तक जाता है। तो अगर आपके मसूड़े ख़राब हो गए तो आपका डेंटिन पार्ट क्या हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा, टूट के गिर जाएगा, है ना। ये अच्छा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, टीथ में पानी होता है आशीष कुमार, पर टीथ के ऊपर वाले पार्ट में नहीं होता। डेंटिन में जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर पानी नहीं होता। कंफ्यूज मत होना आशीष कुमार, दांत में पानी होता है, बट दांत में जो आउटर पार्ट है उसकी भी आउटर लेयर जो इनामिल है उसमें पानी नहीं होता है, ठीक है, उसमें पानी नहीं होता है। और कीड़ा कहाँ लगना शुरू होता है बेटा, कीड़ा यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है पल्प पार्ट। यहाँ पर कीड़ा लगना स्टार्ट होता है तो धीरे 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 कीड़ा लगेगा, दांत की जड़ें हैं ना ये बीच से टूट जाएंगी और दांत गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कीड़ा, फिर दांत गिर जाएगा, आप नकली दांत लगवाओगे, और नकली दांत किसके बने हुए होते हैं, जिंक ऑक्साइड के। नकली दांत अगर पूछे, जो आप दांत डॉक्टर से नकली दांत लगवा के आते हो, वो किसके बने हुए होते हैं, तो वो आप क्या बताओगे, जिंक ऑक्साइड के, ठीक है। दांत में पानी होता है बेटा, बट दांत के डेंटिन पार्ट की आउटर लेयर इनामिल में पानी नहीं होता है। ये आपके दांतों से कुछ क्वेश्चन थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दांतों ने हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प की, आप बताओगे फूड की कटिंग करी, फूड की टीयरिंग करी, फूड की ग्राइंडिंग करी, और फूड की मिक्सिंग करी, ऐसे दांत हमारे काम आए। अब दूसरा है आपका टंग, दूसरा ऑर्गन कौन सा है, टंग, जिसको बोलेंगे हम जीभ, या हम क्या बोलेंगे, जिह्वा, जीभ या जिह्वा बोलेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। एक्चुअली थोड़ी मेरी तबीयत से ख़राब हो रखी है, गर्मी भी बहुत है। गोल्ड का तो बेटा वो कवरिंग लगवाते हैं ताकि, क्योंकि गोल्ड एक नॉन रिएक्टिव मेटल होती है, ताकि आपका दांत मतलब घिसे ना, पानी वानी से रिएक्ट करके वो दांत घिस घिस कर मतलब ख़त्म ना हो जाए। सोने चांदी का दांत नहीं होता है, सोने चांदी की तो कवरिंग करवाते हैं, क्योंकि सोना और चांदी नोबल मेटल्स होते हैं, है ना। चलिए बस आज के लिए इतना बहुत है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है, आज एक घंटे की क्लास बहुत है, आप इतना पढ़िए, बाकी कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे वापस। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब है, एक्चुअली थोड़ा डिहाइड्रेशन सा हो रखा है, तो आज आप इतना पढ़िए एक घंटे का, और फिर अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा दूँगी मैं, हाँ ले लो।
ठीक है।